और सीधे रुख करते हैं अफगानिस्तान के काबुल का, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और एक संसद का भी उद्घाटन किया है। करोड़ों की लागत से संसद को बनाया गया है, पार्लियामेंट को बनाया गया है और उसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, काबुल में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और आज एक संसद का उद्घाटन किया, पार्लियामेंट का उद्घाटन किया और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस संसद का नाम रखा गया है। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काबुल में हैं और इसके बाद वो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे, नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे और कुछ ही देर बाद पाकिस्तान के लाहौर के लिए रवाना होंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप काबुल से देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया। करोड़ों की लागत से इस पार्लियामेंट का निर्माण किया गया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस पार्लियामेंट का नाम रखा गया है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है और इस मौके पर काबुल में भारतीय संसद को स्थापित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। और करोड़ों की लागत इस पार्लियामेंट की बताई जा रही है और यहां से अब प्रधानमंत्री पाकिस्तान के लाहौर के लिए भी रवाना होंगे कुछ ही देर बाद और नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हो रहे हैं, इससे ये कहा जा सकता है कि और देशों से भारत के एक जो रिश्ते हैं उनको मजबूती मिले और उद्योगों को बढ़ावा मिले।